बैठिए वकील साहब, थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ योर ऑनर, मेरे मुवक्किल दिनेश कुमार, इनका दावा है कि पूरी बिरादरी के सामने मंगनी करने के बाद भी उनकी मंगेतर मिस रोशनी उनसे शादी करने से इनकार कर रही है। योर ऑनर, इनकार नहीं, लेकिन मेरी भी वही शर्त है जो इनकी है। कैसी शर्त? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल की बिरादरी में एक रस्म है जिसे निभाने से मिस रोशनी साफ इनकार कर रही है। वो रस्म क्या है? योर ऑनर, ये रस्म नहीं, ये सामाजिक रूप से महिलाओं पर किया जाने वाला अत्याचार है। अत्याचार रस्म से बढ़कर ये एक स्त्री के चरित्र का नगीना है योर ऑनर, एक औरत की इज्जत और आबरू की निशानी है। आप रस्म के बारे में बताइए ना, आप मतलब यूं ही पहेलियां उलझाते रहेंगे तो फिर हम यहाँ मतलब। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल दिनेश कुमार चाहते हैं कि मिस रोशनी ये सबूत दें कि सुहागरात की रस्म अदा होने तक वो वर्जिन रहेंगी, यानी कि पेटी पैट। वर्जिन मतलब? हर सूरत हाल में कुंवारी रहेंगी। मिस रोशनी, क्या आपकी शादी हो चुकी? नहीं योर ऑनर। देरी हुआ? केस क्या है? मतलब अगर कोई महिला जिनकी शादी नहीं हुई अनमैरिड है तो उन्हें तो कुंवारी कहा जाएगा ना। योर ऑनर, लगता है आप बात की बारीकी को समझ नहीं पा रहे। देखिए, वर्जिनिटी का एक मतलब अक्षत योनि भी है, यानी कि वो औरत जिसने अभी तक वो अनुभव नहीं किया है, वो तजुर्बा नहीं लिया है, वो एक्सपीरियंस। और जरा खुल के बताइए ना, मतलब वो अनुभव और कौन सा एक्सपीरियंस जरा प्लीज। योर ऑनर, यौन का, सेक्स का, राइट वकील साहब? हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि मिस रोशनी ये सबूत दे कि वो वर्जिन है। और हम ये चाहते हैं योर ऑनर कि मिस्टर दिनेश कुमार और रोशनी पर एक सा कानून लागू हो। वी डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। तो इक्वल ट्रीटमेंट की गारंटी तो भारत का संविधान देता है। हम भी वही सबूत चाहते हैं कि मिस्टर दिनेश वर्जिन है। जिस बात की डिमांड, जिसकी मांग वो इतने हक से रख रहे हैं, वो हक तो रोशनी को भी मिलना चाहिए। लेकिन जज साहब, वो स्त्री है, हम पुरुष है, अब ये इक्वल ट्रीटमेंट कैसे संभव है आप बताइए। योर ऑनर, अगर इनकी बात मान ली तो समाज की बुनियाद नेस्त नाबूद हो जाएगी, दुनिया हिल जाएगी, देश हिल जाएगा। और योर ऑनर, अगर इनकी बात मान ली गई तो हमारी देश की महिलाओं को जो इतने सालों से बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है, जंजीरों में बांध कर रखा गया है, वो और मजबूत हो जाएंगी, उनकी उनके अधिकारों का गला घुट जाएगा। योर ऑनर, कानून और अदालत जज्बातों से नहीं बल्कि गवाह और सबूतों पर चलते हैं। औरतों की योनि में एक मेंबर यानी स्किन का पर्दा सा होता है। जब कोई औरत पहली बार यौन संबंध यानी के सेक्स का अनुभव करती है तो ये पर्दा फट जाता है। जिस वक्त कुछ खून भी बह सकता है, लेकिन कुछ समाजों में सुहागरात पर इस हाइमन का रप्चर होना यानी फटना इस बात का सबूत माना जाता है कि लड़की वर्जिन थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। योर विटनेस। महिलाएं जो काम करती हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं, खेलकूद में भाग लेती हैं, या कोई वजनदार काम करती हैं जैसे कि खेती में वजन उठाना, क्या तब भी ये पर्दा फटने के चांसेस होते हैं? जी हाँ, अक्सर हो जाता है। आपका ये अक्सर आपके ज्यादातर से कम है या बढ़कर? अब ये बात तो औरत औरत पर डिपेंड करती है। जैसा अगर कोई औरत खेत में काम करती है, स्पोर्ट्स या शारीरिक व्यायाम जैसी क्रिया में हिस्सा लेती है, या फिर वो बोझ उठाती है, तो अक्सर आसानी से ज्यादातर हो जाएगा। ऑब्जेक्शन, हमारी पारंपरिक कथाएं कहती हैं। ओवरऑल परंपरा को ना गवाहों का दर्जा दिया गया है और ना ही सबूतों का। थैंक यू जैसा। हाँ तो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि क्या सुहागरात के दिन पहली बार यौन संबंध स्थापित करने पर यदि महिला के शरीर से खून ना बहे, सेक्सुअल इंट्रैक्शन, इंटरकोर्स जिसे कहते हैं, उसके बावजूद खून ना बहे, तो क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो वर्जिन नहीं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खून नहीं बहने के कुछ और कारण भी हैं जो मैं आपको अभी अदालत में बता चुका हूँ। जैसा फिर तो बात ही नहीं बनती, इस केस के दूसरे पहलू पर गौर किया जाए। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या दिनेश कुमार जी ये सिद्ध कर सकते हैं कि वो वर्जिन नहीं है या वर्जिन है? नॉट एट ऑल, कभी नहीं, ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे? डॉक्टर साहब, कमाल की बात कर रहे हैं आप। जज साहब, मैं जबान दे सकता हूँ कि मैं वर्जिन हूँ। Why?
फाइन टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एक मर्द की केवल जबान ही काफी है उसके चरित्र को साबित करने के लिए, लेकिन जब एक महिला की बात आती है, एक महिला यही बात करती है तो उससे हजारों तरह के सवाल दागे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। ये तो इंसानियत और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से नाइंसाफी है, जेंडर इनजस्टिस। हाँ तो दिनेश जी, आप इन सारी चीजों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मतलब हमारा कहना यह है कि जो सबूत आप खुद नहीं दे सकते तो आप दूसरों से वही सबूत मांगने का क्या हक रखते हैं? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अब क्या हुआ मिलॉर्ड? आप जो भी कहें, मर्द अलग हैं, औरतें अलग हैं। बिल्कुल नहीं, कानून के हिसाब से दोनों बराबर है। योर ऑनर, कुदरत ने मर्द को बना है ही ऐसा है कि पता ही नहीं चलता नॉन वर्जिन कि वर्जिन, पेटी पैक कि नॉन पेटी पैक। आप प्लीज अपनी बकवास बंद करेंगे। योर ऑनर, यहाँ इस मुद्दे की जड़ ये है कि मर्द करे तो सब ठीक, लेकिन महिला करे तो पाप। दोषी कोई भी हो ऑनर, लेकिन शक और सवालों की सुई हमेशा औरत पर उठती है। क्यों? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज, इजाजत है। जज साहब, हर मियां बीवी के बीच की सौतन होती है शक, और आज यहाँ अदालत ने मेरी आंखें खोल दी। जज साहब, मैं किसी के अतीत या किसी शरीर के हिस्से से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि एक जीती जागती औरत से शादी करना चाहता हूं, और वो औरत है रोशनी। अगर रोशनी को कोई एतराज ना होता। मुझे मंजूर है योना, एक पत्नी इससे ज्यादा और क्या मांग सकती है कि उसके पति और उसके बीच कोई तीसरा ना हो। आप दोनों की राय से बिल्कुल सहमत हैं। वैसे आपको अगर कुछ कहना है तो? नहीं योर ऑनर, बस इतना ही कि आज इस उम्र में ही सही मैंने एक सबक सीखा है, और मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत था। ये वर्जिनिटी टेस्ट गलत है। I'm sorry. केस डिसमिस। एक मिनट जज साहब। अब क्या हुआ? एक सेल्फी ले लें अभी, चलो।